हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे, तो आज अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं लंच में बनाने वाली हूँ कढ़ी और चावल। तो कढ़ी मैं किस चीज़ की बनाऊँगी? चने की दाल की कढ़ी है, बेसन की कढ़ी नहीं है। चने की दाल को मैंने रात में भिगो दिया था। इसमें अदरक, लहसुन, मिर्चा, जीरा, ये सब हम दाल के साथ में ही पीस लिए थे। और थोड़ा सा इसमें हम चावल का आटा भी मिक्स किए हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ऊपर से सब मिक्स करके तब पकौड़ियों की तरह बना रहे हैं। और इसकी डिटेल में पूरी रेसिपी मैं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि कई बार इस कढ़ी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। अगर जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जाकर हमारे चैनल पर वीडियोज़ में देख सकते हैं अगर जानना चाहें तो। और हमने सुबह में भी थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी और उसी का हम लोगों का नाश्ता हुआ है। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी हमारी साइड में हो रही है। यहाँ पर मैं तब तक चावल साफ़ कर रही हूँ, और चावल साफ़ करने के बाद अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को गमला, जो हमने 6 गमले एक साथ मंगवाए थे। तो यहाँ पर हमने केला लगाया हुआ है, केले का पेड़ है, इंडोर प्लांट है, तुलसी का पेड़ है, और गेंदे का पेड़ है, जो एक फूल टूट चुका है जो काफ़ी बड़ा निकला हुआ था, तो अभी 3 फूल खिलने वाले हैं। और साइड में एलोवेरा है, और एक गमले में हमने कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया हुआ था, जो अभी कड़ी का है और गमला खाली है, क्योंकि मैं चली गई थी पौधा लगाना है। स्कूल का ड्रेस धुलना मैं भूल गई थी, वही जब मुझे याद आया मैं भिगो के रखी थी, पर टाइम का मुझे पता ही नहीं चला। और जब खाना बनाने आए, देखे तो 1 बज रहा था और धूप भी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है ड्रेस धुल के आते हैं फैला के, उसके बाद फिर कढ़ी बनाएंगे। तब तक यहाँ कढ़ी जो है, मेरी बेटी जो है मसाला वगैरह भून चुकी थी और कढ़ी का घोल वगैरह भी डाल दी थी, तो इसलिए मैंने जो है इसकी रेसिपी नहीं मैं दिखा पाई आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की कढ़ी हमारी पक चुकी है लगभग, और अभी इसमें हम जो पकौड़ी बना के रखे थे वो पकौड़ी डालेंगे, और इधर हमारा चावल भी बन रहा है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है, जो कि सिलेंडर जो है गैस ख़त्म होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं, और सिंग उसी में ही बनाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे। अगर देखिए इस तरह से जल रही है, देखते हैं कि कब तक चलती है। तो यहाँ पर कढ़ी जो है, अभी ठीक 2 बजे का टाइम हो रहा है, और सुबह जो है पकौड़ी वगैरह बनाए थे, तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। मतलब कि संडे है, तो संडे का फुल फ़ायदा उठाए हैं, लेट से सोकर उठे हैं और फिर लेट से ही सारा काम हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे पकौड़ी। तो ये रही पकौड़ी, अब पकौड़ी को हम डालते हैं। ये कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है, या फिर दही वाली। तो चावल भी हमारा पक चुका है, अब गैस फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो कढ़ी चावल हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ है बनकर। तो दोपहर को खाना पीना बनाने के बाद से अभी तुरंत फ़ोन मैं उठा रही हूँ, क्योंकि आज मैं मार्केट भी गई थी, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाई। तो अब चल रहे हैं, आज अभी शाम को बना, मतलब रात के खाने में खाना नहीं बनाएंगे, चल रहे हैं बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि चले गए दोपहर के बाद जो है, सुबह के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, उसके बाद फिर शाम को चले गए मार्केट, सोचे थे मार्केट में जाएंगे आप लोगों को कुछ दिखाएंगे यहाँ का मार्केट वगैरह, लेकिन वहाँ भी नहीं शूट कर पाए। तो उसके बाद जब आए तो फिर और भी कामों में किए, बातचीत करने में टाइम हो गया, और अभी 8:30 बज रहे हैं, तो हम चल रहे हैं किचन में साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। तो आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, चाय वाय तो ऐसे हम पी चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, और यहाँ की लाइट नहीं जलाते हैं, ज़रूरत नहीं लगती, किचन की जो लाइट जलती है वहाँ तक पूरा उजाला रहता है। और अभी दोपहर का बर्तन भी रखा हुआ है, सारी सब्जी वब्जी वैसे अभी रखी हुई है,
जैसे आए मार्केट से चाय वाय पिए तो उसके बाद फ़ोन आ गया तो बातचीत करने लगे, और सब्जी वब्जी अभी कुछ भी नहीं खाली किए हैं, सब वैसे का वैसे रखा हुआ है। और अब चल रहे हैं, पहले बनाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, 8:30-9 बज रहे हैं, फटाफट पहले बना लें फिर जाके सारी सब्जी जो है अलग करेंगे। अभी वैसे ही रख दिए, जब से आए तो वैसे रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने चूड़ा भी लिया हुआ है क्योंकि अब ठंडी में पोहा अच्छा लगता है। ठंडी में क्या, पोहा तो हमेशा अच्छा लगता है, चाहे मटर के, हरी मटर के साथ बनाइए, चाहे मूंगफली के साथ बनाइए। लाइट कम पड़ रही क्योंकि मैंने अभी लाइट नहीं जलाई है। तो यहाँ पर साबूदाना हमने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था, तो अब फूल चुका है। और अभी मैं मूंगफली को रोस्ट करूँगी, और खिचड़ी के लिए मैंने टमाटर काटा है, धनिया काटा है, थोड़ा सा मिर्चा है 1-2, और आलू इस तरह से काटा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। यहाँ पर हमारी साबूदाने की टेस्टी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच चुके हैं 11, और हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, और अब सोने का टाइम आ चुका है। तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग का एंड कर दें, तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।